Good morning, students. After the exam, welcome to online classes. Okay, today onwards we will start our new concept or the new chapter as chapter in history, chapter number 7, social changes. As you can see at the blackboard, at the social changes, first concept is social condition in the North India. कि सामाजिक जो परिवर्तन हुए उत्तरी भारत में वो किस प्रकार हुए, किस तरीके से हुए. ओके, कम टू द पॉइंट्स. पेज नंबर 35 इन हिस्ट्री. इट वॉज नॉट ओनली द ट्रेडर्स क्राफ्ट्समैन बट ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ ट्रेड ब्रॉड चेंज द सोसाइटी. जो जिस समाज में जो परिवर्तन आया, जो सोसाइटी में चेंज आया, वो किस कारण आया? जो व्यापार करने के लिए लोग आए, जो व्यापार हुआ, जहां से वो लोग आए, वो क्या सभ्यता, वो क्या संस्कृति अपने साथ लेकर आए, ये डिपेंड करता है हमारे संस्कृति पर, हमारे ट्रेडिशनल पर, हमारे जो आउटपुट है या हमारे जो रहन सहन है, हमारे जो खान पीन है, उस पर वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हम कहां जाते हैं और उस चीज को हम किस तरह से स्प्रेड करते हैं. कस्टम एंड ट्रेडिशन विच आर डिफरेंट विथ ईच अदर. जैसे कि मैंने अभी बोला कि सभी लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, पहनना, ये सब भाषाएं सबकी अलग अलग होती है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल. सो अगर हम ये चीज देखें तो जब वो लोग कहीं आएंगे या इस तरीके के लोग हम ही कहीं जाएंगे तो हम वो ट्रेडिशन अपने साथ लेकर आगे चलते हैं और हम अगर स्टे करते हैं तो वो हम रीति रिवाज, हमारी जो संस्कृति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं. दीज वर द डिफरेंट वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया. जगह जगह से भारत के कोने कोने से लोग आने शुरू हुए व्यापार के कारण. इन द अर्ली मेडिवल पीरियड 800 AD and 1200 AD द कास्ट सिस्टम वर बेसिक. उस समय जो कास्ट सिस्टम था, जो एक कास्ट जो बोलते हैं जाति प्रथा, जो जातिवाद था, वो बहुत ज्यादा अधिक था. इसमें क्या था कि जो ब्राह्मण है वो हाईली रेस्पेक्टेबल थे, उनको ज्यादा मान सम्मान दिया जाता था जो ब्राह्मण थे. उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो थी क्षत्रिय. क्षत्रिय जो लोग थे वो रूलिंग क्लास था, रूलिंग मतलब जो शासक थे, जो राजा थे, उनको क्या बोला जाता था? क्षत्रिय, यानी जीवित भूमि में उतरते थे. वैश्य वर द ट्रेडर्स और शूद्र. वैश्य जो थे वो क्या थे? व्यापारी जो मंडल थे, व्यापारी विभाग जो था, जो व्यापारी लोग थे उनको वैश्य रखा जाता था जाति. लास्ट कैटेगरी आती है शूद्र. शूद्र वर ट्रेडेड एज अ लो कास्ट पीपल. शूद्र जो है नीचे जाति वाले लोगों को बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे? इन तीनों की देख रेख का कार्य शूद्र लोगों को दिया जाता था. दे वर डिनाइड एक्सेस टू टेम्पल एंड द पब्लिक फंक्शन. उन्हें अनुमति नहीं थी किसी टेम्पल प्लेस पर जाने की. द वुमेन वर नॉट गिवन हाई स्टेटस. नानी औरतों को अधिक मान सम्मान दिया जाता था. उस समय कुछ ऐसी प्रथा थी जैसे सती, जौहर या बाल विवाह, कुछ ऐसी बुराइयां थी समाज के अंदर जिनको हटाना बहुत जरूरी था. दिल्ली सल्तनत के दौरान जो सोसाइटी थी, समाज था, वो किस तरीके का था? यह है हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट. सेकेंड, जो सल्तनत पीरियड था उसमें सोसाइटी को दो भागों में विभाजित किया गया था, मुस्लिम और हिंदू. जो मुस्लिम थे उनके भी दो विभाग किए गए थे, एक थे शिया और दूसरा था सुन्नी. मुस्लिम प्रिस्ट और पॉल, जो मुस्लिम पुजारी थे, जैसे हिंदू के पुजारी होते हैं तो ऐसे मुस्लिम पुजारी थे, उनको बोला जाता था उलेमा. ओके, सोशल कंडीशन वर सिमिलर टू द सल्तनत पीरियड. सोशल कंडीशन ऐसे ही थी जैसे पहले थी, ना तो कोई हाई सोसाइटी या ज्यादा किसी को मान सम्मान दिया जाता था औरतों को, और ना ही जो क्षत्रिय थे या जो शूद्र थे, जो उनका कार्य था वो कहीं उनको प्लेस दिया जाता था. द ट्रेडर्स वर द मिडिल क्लास. जो व्यापारी लोग थे वो एक सामान्य ग्रुप के होते थे, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे. और जो फार्मर्स आर्टिशन या वर्कर, जो आर्टिशन थे, जो किसान थे, उनकी जो लाइफ थी वो काफी स्टेडेबल थी, वो काफी हार्ड वर्किंग थे. वुमेन कंटिन्यू टू लीड अ रिजल्ट लाइफ. इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट ट्राइब्स नॉमैड्स इट्स ग्रूवर ऑल्सो डोमिनेट. इनको क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था, यानी अपने कार्य के प्रति उनको शोषित किया जाता था, ज्यादा काम उनसे लिया जाता था. सो इट इज अ ट्रू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव अंडरस्टैंड. ओके, टुडे देयर इज टू टॉपिक टू रीड आफ्टर द वीडियो. यू हैव सी टू टाइम्स और फॉर द नेक्स्ट क्लास रीड द ट्राइब्स गॉड्स एंड अहोम्स ओनली. ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे.